नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप? मैं रवि कुमार साहब, देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। चूंकि गाइस हम मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आपको देते रहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आज हम लोग सिरप सिलीबॉन सिरप के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर सेलीमरीन सस्पेंशन होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? सो गाइस, इस का यूज़ कोलेस्टोसिस रोग के लिए उपयोग किया जाता है, जो गर्भ अवस्था के दौरान पाचन करने में मदद करता है। ठीक है गाइस, गर्भ अवस्था में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे पाचन सही से नहीं होता है, तो इस सिरप से लेने से वो बहुत ही अच्छे से रिकवर हो जाता है और होने लगता है। सो गाइस, आपको मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, और मेडिकल कैसे खोलना है, उसके बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, कौन से कॉलेज भी फार्मा कराते हैं, ये सब हम अपने वीडियोस में डालते रहते हैं। प्लीज़ गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार जाके विजिट कीजिए गाइस, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो गाइस, आगे हम लोग देख लेते हैं कि एक यूरो एक्ट V6 है, जो पथरी के इलाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है सस्पेंस, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पोटोशियम सेट्रेट, मैग्नीशियम सेट्रेट, अनेक प्रकार के हाइड्रोक्लोराइड भी इसमें मिला होता है। 2 ml होता है ये। इसको पथरी के टाइम पे बहुत सारी, चूंकि जेनरिक है, बहुत सारी इथिकल में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद। मेरे को सब देख रहे हैं मेडिकल फैक्ट ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।